गुलिस्तान न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम आपको हाईवे का भी अपडेट देंगे और उसी के साथ साथ जिस तरह से धुंध कोहरा काफी ज्यादा है, डेंस फॉग आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर शीतलहर की बात करें, कोल्ड वेव की बात करें, तो वो लगातार जारी है और लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है इस धुंध कोहरे की वजह से और इस कड़ाके की सर्दी की वजह से। क्योंकि अगर पहाड़ी इलाकों की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर बर्फबारी जारी है, लेकिन मैदानी इलाकों में लगातार इस समय धुंध कोहरा काफी ज्यादा पड़ रहा है और उसी के साथ साथ शीतलहर का जो प्रकोप है वो लगातार जारी है। और अगर हाईवे को लेकर बात करें तो यहां पर गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी होती नजर आ रही है, यानी गाड़ियां भी अब धुंध कोहरे की वजह से काफी एक स्पीड लिमिट में चल रही है और स्पीड लिमिट में चलना भी चाहिए। फॉग लाइट्स ऑन करके तमाम गाड़ियां आपको इस समय जो वो रोड पर चलती नजर आएंगी, लेकिन धुंध कोहरा जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर सुबह से लेकर शाम तक का आपको अपडेट करें तो सुबह भी घने कोहरे की धुंध की चादर जो वो साफ तौर पर देखी जा सकती है और उसी के साथ साथ दोपहर के समय में भी धुंध कोहरा लगातार रहता है। हालांकि बीच में एक आध घंटा जो है वो कुछ देर के लिए धूप जरूर निकलने की कोशिश में रहती है, सूर्य देवता निकलने की कोशिश में होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से जब 3 बजे के आसपास का वक्त होता है उसके बाद से फिर से जो ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि धुंध जो वो पड़ना शुरू हो जाएगी। तो मेरे पीछे की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से धुंध कोहरा यहाँ पर पड़ा हुआ है। मैं अपने सहयोगी को बोलूँ कि ये तस्वीरें जो है यहाँ पर हाईवे से दिखाई जाए, और लगातार जो इस समय धुंध कोहरा है वो काफी ज्यादा एक परेशानी का सबब जो है वो तमाम लोगों के लिए बना हुआ है। ये तस्वीरें मैं आपको हाईवे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप यहाँ पर भी तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि गाड़ियों की रफ्तार भी कहीं ना कहीं धीमी आपको नजर आएगी, काफी स्लो गाड़ियां आपको चलती नजर आएंगी और इसी तरह से रहना चाहिए और पूरी तरह से हमें सतर्क होकर जो वो गाड़ी चलानी है, सावधानी से गाड़ी चलानी है, ओवर स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी है, क्योंकि सड़क हादसे लगातार जो वो धुंध कोहरे के कारण जो वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। और कल भी हमने आपको दिखाया था कि यहाँ जो सड़क हादसे हैं वो धुंध कोहरे की वजह से काफ़ी ज़्यादा पेश आ रहे हैं और इंडिकेटर्स तमाम गाड़ियों को आन आपको नजर आएंगे। और ये जो खूबसूरत तस्वीर साथ साथ में आपको दिखा रहा हूँ, ये सांबा का प्रसिद्ध ऐतिहासिक देवस्थान चिची देवी मंदिर परिसर, यहाँ से खूबसूरत तस्वीर इस हाईवे की भी आपको दिखाई दे रही है। और धुंध कोहरा आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से इस समय पड़ रहा है। ये खूबसूरत तस्वीर के साथ साथ लोग जो इस समय काफ़ी परेशानी के सबब से गुजर रहे हैं, यानी धुंध कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी डाउन हो चुकी है और उसी के चलते लगातार लोगों को जो है वो गाड़ियां चलाने में भी दिक्कतें पेश आ रही हैं और लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। सर्दी की बात करें तो इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है कि लोग हर जगह हम देख रहे हैं कि बेहाल हो चुके हैं। हालांकि अगर बच्चों के एंड पर बात करें, स्कूली बच्चों के, तो जम्मू डिवीजन में जिस तरह से कल विंटर वेकेशन को एक्सटेंड कर दिया गया 15 जनवरी तक, तो बच्चों के लिए भी काफ़ी एक राहत है, क्योंकि कल जब बच्चे स्कूल पहुंचना शुरू कर रहे थे तो कहीं ना कहीं बच्चों के पेरेंट्स जो वो काफ़ी परेशान नजर आ रहे थे कि हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे। हालांकि बच्चों के साथ साथ बुजुर्ग भी बीमार हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से छुट्टियाँ जो वो एक्सटेंड कर दी गई हैं तो उससे काफ़ी एक राहत जो बच्चों को ज़रूर मिली है। लेकिन धुंध कोहरा इस समय परेशानी का सबब जो वो बना हुआ है, लगातार यहां पर सफेद चादर धुंध कोहरे की नजर आ रही है। मेरे पीछे की तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और कहीं ना कहीं हम कोशिश यही कर रहे थे आपको कि हाईवे के अपडेट के साथ साथ धुंध कोहरे की अभी अपडेट आपको दें, सर्दी की अपडेट आपको दें। तो ये तीनों चीजें आपके सामने हैं। हाईवे का सिनेरियो यही है कि गाड़ियों की रफ्तार इस समय पिछले कुछ दिनों से लगातार धीमी है, क्योंकि धुंध कोहरा इतना ज्यादा पड़ रहा है कि लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कत पेश आ रही है। इसको लेकर मैं यही कहूंगा कि आप लोग गाड़ी सावधानी से चलाएं, सतर्कता से चलाएं और लाइटिंग को लेकर बात करें, यानी इंडिकेटर्स ऑन करके गाड़ी चलाएं, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करके गाड़ी चलाएं, क्योंकि विजिबिलिटी काफी डाउन है। फॉग धुंध कोहरा इतना है, आप देख सकते हैं कि अभी भी मेरे पीछे की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं, और उसी के साथ साथ सर्दी जिस तरह से लगातार बढ़ रही है, तो आप लोग गर्म कपड़े ज्यादा पहनकर रखें, घरों से बाहर कोशिश करें ना निकलें, अगर जरूरी काम है तो निकलें, क्योंकि मौसम इतना खराब है कि सेहत पर आपका जो है वो असर पड़ना शुरू हो जाएगा अगर आपने लापरवाही बरती। आप लोग घरों से बाहर जब निकल रहे हैं ग्लव्स का इस्तेमाल करें, कैप पहन के रखें, गर्म कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहन कर रखें और बच्चों को भी गर्म कपड़े ज्यादा पहनाएं। बुजुर्गों से भी यही हम कहेंगे कि गर्म कपड़े ज्यादा पहन के रखें, क्योंकि स्ट्रोक होने का खतरा रहता है। लेकिन इस समय एक मेन जो परेशानी का सबब है वो धुंध कोहरा है। जो तस्वीरें साफ तौर पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लगातार हम हाईवे से आपको ये पिक्चर्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ धुंध कोहरा जो है
है साफ तौर पर देखा जा सकता है। मैं आपको पैन करके कुछ तस्वीरें आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए अगर 100 मीटर हम आगे चले जाएं तो विजिबिलिटी आपके सामने है, विजिबिलिटी आपको काफ़ी डाउन नज़र आएगी और इसी को लेकर हम आपको ये सतर्क बार बार कर रहे हैं। हर अपडेट में ये आपको कोशिश कर रहे हैं कि आपको अवेयर किया जाए कि आप लोग हाईवे पर सावधानी से चलें, सुरक्षित तरीके से चलें, क्योंकि धुंध कोहरा इस समय काफ़ी ज़्यादा है। ये मैं आपको जो अपडेट दे रहा हूँ ये सांबा के चिची माता मंदिर के पास से अपडेट दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाईवे की खूबसूरती तो दिख रही है लेकिन धुंध कोहरा काफ़ी ज़्यादा है और उसी के साथ साथ अगर इस तरफ की मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो यहाँ पर गाड़ियों की रफ्तार भी आपको थोड़ी धीमी नज़र आएगी। मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा कि ये पैन करके तस्वीरें दिखाई जाएं, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हर कोई इस समय जो है वो सतर्क होकर गाड़ी चला रहा है और सतर्कता बरतनी भी चाहिए। और ये आज का अपडेट हम आपको धुंध कोहरे को लेकर दे रहे हैं सांबा से। यहाँ पर आपके सामने है कि विजिबिलिटी डाउन हो चुकी है, यहाँ धुंध कोहरे की सफ़ेद चादर साफ तौर पर देखी जा सकती है, डेंस फॉग काफ़ी ज़्यादा है और उसी के चलते अगर बात करें तो यहाँ कहीं ना कहीं जो रफ्तार है वो ज़िंदगी की थोड़ी सी धीमी नज़र आ रही है। यहाँ गाड़ियों को लेकर बात करें तो रफ्तार धीमी है और आम व्यक्ति इस समय काफ़ी सफ़र कर रहा है, इस परेशानी से गुजर रहा है। जो सर्दी बढ़ चुकी है, जो धुंध कोहरा काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है और पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं कि सुबह शाम लगातार धुंध कोहरा पड़ रहा है और अब यही हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अगर इस मौसम से निजात पानी है तो बारिश हो जाए। कहा जा रहा है कि बारिश शायद एक दो दिन में बारिश आ जाए, बारिश अगर आती है तो इस धुंध कोहरे से निजात मिलेगी, जो खुश्क नुमा मौसम इस समय बना हुआ है उससे भी निजात मिलेगी, बीमारियों से राहत मिलेगी। इसी को लेकर लगातार लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस धुंध कोहरे से जल्दी से निजात मिले और बारिश आ जाए, मौसम साफ हो जाए ताकि ये धुंध कोहरा दोबारा ना दिखे। लेकिन एक अरसे के बाद इस तरह की सर्दी पड़ रही है जो इस बार हमें देखने को मिल रही है और धुंध कोहरा भी काफ़ी एक अरसे के बाद इस समय इस तरह से पड़ रहा है, ऐसा पहले नहीं पड़ा, लेकिन ये काफ़ी एक परेशानी का सबब धुंध कोहरा बना हुआ है। ये अभी तक का अपडेट धुंध कोहरे को लेकर, हाईवे को लेकर, सर्दी को लेकर हम सांबा से आपको दे रहे हैं। आप लोग जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ, आपको तमाम बाकी खबरों के लिए भी आपको अपडेट हम करते रहेंगे। ये बड़ी जानकारी फिलहाल के लिए, मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया गुलिस्तान न्यूज़ के लिए।